हे गाइस, डॉक्टर देवेंद्र राठौर हियर, वेलकम टू मॉडर्न हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। बात करेंगे सीबीडी ऑयल के बारे में। सीबीडी ऑयल क्या होता है, क्या इसके यूजेस होते हैं, साथ ही इसका क्या यूजेस किया जाता है जो कि अक्सर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को लाइमलाइट में लाकर खड़ा कर देता है, ठीक है। आज उसी विषय पर चर्चा रहेगी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए ताकि आने वाली हर अपडेट मिलती रहे। सीबीडी ऑयल एक तरह से देखा जाए तो सीबीडी एक तरह से जो कैनाबिस प्लांट होता है उसकी लीव्स का एक्सट्रैक्ट होता है, जिसके अंदर दो कंपोनेंट अगर देखे जाए तो मेनली प्रेजेंट होते हैं। पहला कंपोनेंट हमारा देखें तो कैनाबिडॉल होता है, जिसे सीबीडी कहते हैं, और दूसरा डेल्टा 9 टेट्राहाइड्रोकैनाबिडॉल होता है, यानी TSC, ठीक है। जो हाई करने का जो नेचर रहता है, आपको बहुत ज़्यादा हाई ले जाता है, नशा करता है, वो TSC के कारण होता है। लेकिन उसके अंदर इतनी मात्रा नहीं रहती कि वो पर्टिकुलर आपको कैनाबिस ऑयल सीबीडी ऑयल आपको हाई कर सके, ठीक है। लेकिन अभी इसको देखा जाए तो इतनी ज़्यादा मिलता नहीं है, लेकिन जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ यूज़ करते हैं, अक्सर उसके बारे में लिखते हैं और ऑनलाइन इसकी अवेलेबिलिटी है, तो ये मार्केट में इजीली या फिर अगर कहें तो ऑफ लेबल मिलने लगा है अभी इस टाइम पर, और काफ़ी ज़्यादा एक तरह से हाइक और काफ़ी ज़्यादा सर्च किया जाने वाला एक टॉपिक है सीबीडी ऑयल के बारे में। अब सीबीडी ऑयल का काम क्या है, एक तरह से साइकोट्रॉपिक एजेंट होता है। आपकी एंजाइटी, अगर आपका डिप्रेशन है, आपको है ना जो एक पेन रिलीविंग एजेंट्स होता है उसको ब्रेक डाउन पेन रिलीवर्स रिलीविंग करता है, जो पेन पहुँचाते हैं, आपका एंजाइटी बढ़ाते हैं, वो हारमोन्स को कम करता है, ठीक है। तो जो एंजाइटी या डिप्रेशन के पेशेंट्स होते हैं वो अक्सर इस चीज़ का सेवन करते हैं, सीबीडी ऑयल को इस्तेमाल करते हैं। किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, आपकी स्किन पर लगाकर, कोई टैबलेट फॉर्म में आप ले सकते हैं। स्किन पर अगर आपको पेन हो रहा है तो डायरेक्टली आप पेन पे पेनफुल एरियाज पर आप सीबीडी ऑयल को लगा सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ NDPS एक्ट के बारे में कि NDPS एक्ट क्या है। NDPS एक्ट के बारे में बताया गया था कि नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट है 1985 में, जिन्होंने उन्होंने कहा था कि रिक्रिएशनल यूज़ आप कर सकते हो, डज नॉट अप्लाई टू द लीव्स एंड सीड्स ऑफ द कैनाबिस प्लांट, ठीक है। मतलब सीबीडी ऑयल का सिर्फ यूज़ आप उस NDPS एक्ट में कर सकते हो, उसके मतलब ये नहीं है कि आप कैनाबिस भांग वगैरह का यूज़ ज़्यादा कर सकते हो, उस चीज़ के अंदर आप उसका सीड्स और लीव का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। साथ ही इसको मैन्युफैक्चरर जो रहते हैं सीबीडी ऑयल के मैन्युफैक्चरर को लाइसेंस मिला है 1940 के एक्ट में, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट्स में, ठीक है। लेकिन इंडिया में इसका ज़्यादा यूज़ होता नहीं है, लेकिन जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ हैं दे आर मच यूजिंग दिस टाइप ऑफ मेडिकेशंस ऑफ लेबल, मतलब नॉर्मल प्रेस्क्रिप्शन बेस्ड मेडिकेशन नहीं है और प्रेस्क्रिप्शन पर कोई डॉक्टर लिखता नहीं है, ठीक है। तो एक चीज़ ये थी इस सीबीडी ऑयल के बारे में, होप सो ये चीज़ें आपको समझ आई होंगी। साथ ही इसको इंडिया में लीगल इलीगल के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, मैं किसी भी चीज़ पर कमेंट नहीं करूँगा क्योंकि क्लियरली कहीं पर भी ऐसा लिखा नहीं है कि ये कम्प्लीटली इलीगल है, और कहीं पर ये भी नहीं है कि लीगल है, ठीक है। लेकिन ऑफ लेबल ये चीज़ मिलती है और लोग इसको यूज़ करते हैं। इसका यूज़ करना कितना फ़ायदेमंद होता है, कितना नुकसानदायक होता है, ये आप किसी डॉक्टर से सलाह ज़रूर करें। एक तरह से देखा जाए तो सीबीडी ऑयल का काफ़ी जगह पर मेडिकेशनल यूज़ किया जाता है, जो कि एक तरह से बहुत कम और मात्रा में एक कंट्रोल्ड मेडिकेशनल रूप में इसका यूज़ होता है। जस्ट लाइक इफ़ यू आर अ हेडेक हो रहा है आपको, एंजाइटी, हेडेक, माइग्रेन हो रहा है, देन यू कैन यूज़ टू अप्लाई ऑन योर हेड जस्ट माइन्यूट, ठीक है। तो आप उसका पर्टिकुलर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कई लोग उसका मिसयूज़ करते हैं इंडिया में, ऑब्वियसली अब्यूजिव मेडिकेशंस के रूप में यूज़ करने लग जाते हैं, तो देन ऑब्वियसली दैट नॉट मतलब बताने वाली चीज़ नहीं है कि मैं उस चीज़ को प्रमोट करूं ऑब्वियसली, ठीक है। तो ये था मेरा व्यू ऑन सीबीडी ऑयल के बारे में, होप सो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ताकि आने वाली हर हेल्थ नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ ही मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो कर लेना, वहाँ पर हम लाइव सेशंस करते हैं पेशेंट्स के साथ, आप लोगों के साथ, ताकि आपको उसकी अपडेट्स आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद, जय भारत।